शौर्य शक्ति फाउंडेशन हापुड़ और विश्व युवक केंद्र नई दिल्ली मिलकर महिला दिवस के उपलक्ष्य में 25 फरवरी से 8 मार्च तक लगातार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। शौर्य शक्ति फाउंडेशन के संस्थापक सदस्य आशुतोष शर्मा ने बताया कि हमारा संगठन लगातार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और महिला सशक्तिकरण जैसे मुद्दों पर पिछले 10 वर्षों से काम कर रहा है। प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। इसके उपलक्ष्य में शौर्य शक्ति फाउंडेशन हर साल हापुड़ जिले में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करता रहा है। इस वर्ष नई दिल्ली की संस्था विश्व युवक केंद्र के साथ मिलकर शौर्य शक्ति फाउंडेशन महिलाओं के लिए कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इसी कड़ी में हापुड़ जिले में जिला स्तरीय महिला पंचायत संसद का आयोजन किया गया और 250 महिलाओं को सम्मान फाउंडेशन की तरफ से दिया गया। महिला पंचायत संसद के प्रमुख विषय महिलाओं का ग्राम पंचायत में योगदान, महिलाओं की ग्राम पंचायत विकास योजना में भागीदारी, महिलाओं का शैक्षिक और आर्थिक विकास कैसे हो, ग्राम पंचायत स्तर पर महिलाओं का उत्पीड़न कैसे रोका जाए, विभिन्न विषयों पर सेमिनार का आयोजन किया गया और महिलाओं ने खुली चर्चा सभी विषयों पर की। कार्यक्रम में हापुड़ जिले की ग्राम प्रधान, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं, महिला ग्राम पंचायत सदस्य, समाज सेविका और 250 से अधिक महिलाएं शामिल हुईं। शौर्य शक्ति फाउंडेशन के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह ने बताया कि इस वर्ष महिलाओं के लिए जिला स्तरीय महिला पंचायत संसद सेमिनार, रैली, पोस्टर कॉम्पिटिशन का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से शौर्य शक्ति फाउंडेशन की पूर्व अध्यक्ष, संस्थापक सदस्य आकांक्षा शर्मा, अलीपुर समिति से डायरेक्टर राजेश देवी, खुशी शर्मा, मनोज कुमार गौड़, राम अवतार तोमर, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, संदीप यादव, अंकित भड़ाना, आशुतोष शर्मा, विंदर कश्यप, विक्रम कसाना आदि उपस्थित रहे। जो इनोवा त्याग है, मैं इनके बीच में उठता बैठता हूँ, बहुत नजदीक से बुझाता हूँ। इनके मन में गर्भकेंद्र विधानसभा के लोगों के लिए भैया सब लोग उठाने, सब लोग एक साथ एक साथ सब लोग उठाए। देखिए आप लोग बड़ी संख्या में हैं, छोटे गायत्री छोटे 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 छोट